हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू इंस्टॉल विंडो 10 विद बूटेबल पेन ड्राइव। तो दोस्तों, इसके लिए हम एक पेन ड्राइव लेंगे जो कम से कम 8 GB का होना चाहिए, और उसमें हम विंडो 10 की ISO इमेज को डाउनलोड कर लेंगे। विंडो 10 की ISO इमेज को कैसे डाउनलोड करना है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले पेन ड्राइव को अटैच कर देते हैं, और अब हमने सेटअप में जाना है। पावर ऑन करते ही इमीडिएटली डिलीट बटन या F2 बटन को कंटिन्यूसली प्रेस करेंगे, और सेटअप में जाकर हम बूट मेनू में जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, बूट ऑप्शन 1 यहाँ पे एंटर मारेंगे, और पेन ड्राइव जो 3rd नंबर पे यहाँ पे आके एंटर मार देंगे, और यहाँ पर F10 प्रेस करेंगे और यस कर देंगे। यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, सेटअप इज स्टार्टिंग, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे हमने कौन सी विंडो 10 इंस्टॉल करनी है, विंडो 10 होम या विंडो 10 प्रो। तो हम विंडो 10 प्रो को इंस्टॉल करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे क्लिक कर देंगे, आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स, नेक्स्ट, और यहाँ पे इंस्टॉल विंडोज ओनली एडवांस, इस पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हार्ड डिस्क के पार्टीशन दिखा रहा है ये, तो ये वाला जो पार्टीशन है 73.9 GB, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। तो दोस्तों, विंडो इंस्टॉलेशन की जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये जो काउंटिंग है ये 200 तक जाएगी, फिर ये आगे नेक्स्ट स्टेप आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, दोस्तों यहाँ पे जब सिस्टम रिस्टार्ट होगा तो उससे पहले पेन ड्राइव को निकाल लेना है।
और दोस्तों यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है इंडिया। यहाँ पे यस कर देंगे, यहाँ पे लेंगे इंडिया इंग्लिश, यस, इसको स्किप कर देंगे। इसको भी स्किप कर देंगे, स्किप फॉर नाउ। यहाँ पे दोस्तों हम नाम एंटर करेंगे जिसने कि पीसी को यूज़ करना है, जैसे कि हम यहाँ पे एबीसी डाल देते हैं, एबीसी। पासवर्ड अभी हमने कोई नहीं रखना, तो नेक्स्ट कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे आप यस भी कर सकते हैं और नो भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे नो करता हूँ। यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो दोस्तों विंडो इंस्टॉल हो चुकी है। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।